सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ। हमारा रिश्ता तय हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे दरमियान रिश्ता बन जाएगा। तुम्हें पता है, जेबू हमें देखकर बहुत जेलस हो गई थी। होने दो उसको जेलस। अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारे मुस्तकबिल के बारे में। घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, और दादी वो तो हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती है। अच्छा आरिस, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ मुझे तुम्हारा साथ मिला। तुम्हारा साथ किसी भी लड़की के लिए खुशकिस्मती है। अच्छा अपनी कॉफी पी। जेबू का फोन आया था, आरिस की शादी हो रही है, हम सबको बुलाया है। हाँ तो ठीक है, तुम लोग चले जाना, लेकिन मैं नहीं जा सकूंगा। आप भी चले जाते तो बहुत अच्छा होता, थोड़ी देर की तो बात। कह तो रहा हूँ ना कि तुम लोग चले जाना। उस दिन रेस्टोरेंट में आरिस के साथ एक लड़की आई थी, शायद उसी से उसकी शादी हो रही है। हाँ फिर तो जेबू आरिस की शादी की वजह से बहुत मसरूफ होगी, टाइम ही नहीं होगा उसके पास। हाँ जाहिर है, उसकी जेठी शादी है तो मसरूफ तो होगी, इसलिए तो यहाँ भी नहीं आई। और ना मैंने इसरार किया। देख काम करो ना, कुछ तोहफे तहाए, कुछ चीज़ें, कुछ फ्रूट वगैरह, कुछ टोकरे वगैरह बनवा के कुछ सवेनियर के तौर पर उनको भिजवाओ। गुड जेस्चर।